देखिए भाई, हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना भाई लोग। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और आज है आंध्र का दशहरा का मेला। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लो आप लोग को भी दिखाते हैं, लो आप खुद भी देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट और आंध्र में मिलते हैं। तो गाइस पुल पर आ चुके हैं लो, और चलते हैं लो हम लोग, आप लोग को दिखाते हैं लो। देखिए मंदिर के पास, और ये देखिए अंदर में। तो अब चलते हैं लो अंदर, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर सामने एक है पंडाल, इसी में चलते हैं लो और आप लोग को दिखाते हैं लो। इसके अंदर चलते हैं लो, आप दिखाते हैं लो आप लोग को। अरे ये देखिए भाई, ऊपर मस्त मस्त अच्छा से सजाया गया है। और ये वैष्णो देवी का मंदिर होता है वैसा ही इसी में। तो आगे चलते हैं लो और इधर से उतर जाते हैं लो। ज्यादा बड़ा गुफा नहीं बना है। देखिए भाई कितना मस्त लाइटिंग किया गया है। और आगे देखिए दो शेर और इधर वेलकम। और लाइटिंग किया गया है, देखो भाई कितना जगह। आ चुके हैं भाई, और देखिए यहाँ पर ये भी मंदिर पूरा अच्छे से सजा दिया गया है पुल के इस पर। और मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होगा तो आप लोग को दिखा देंगे अंदर घूम कर। देखिए भाई बाहर से कितना मस्त दिख रहा है मंदिर। अब चलते हैं अंदर भाई, अंदर से देखो कितना मस्त आ गया है। तो भी इधर दुर्गा जी है। तो अब चलते हैं कुछ पुल के उधर, अब अंदर में चलते हैं आप लोग को लेकर। भाई पुल पर हम लोग थे, अब अंदर में इधर भी एक है भाई, इसको भी दिखा देते हैं आप लोग को। ये भी हम लोग चलते हैं अब अंदर में, आप लोगों को दिखाते हैं अंदर में। तो भाई इधर झुलुआ लगा है, तो इधर से देखिए परफेक्ट स्कूल के पास जो बड़ा बड़ा झुलुआ लगा है भाई अंदर में इस बार। देखिए भाई बड़ा बड़ा झूला लगा है इधर, और ये देखिए बंदूक। और इधर बच्चों के लिए खेलने के लिए जम्पर है, और ये नाव वाला झूला भाई। इधर नाव वाला भी है, दो नाव वाला है। और उधर देखिए वो टावर लगा है। तो चलते हैं लोग पहले इधर अपना वीडियो बना लेते हैं लोग पूरा, उसके बाद लास्ट में बैठा जाएगा। तो भाई इधर से निकल चुके हैं मेला, अब चलते हैं लोग आगे और दिखाते हैं लोग अंदर के बीच में जाकर। और इधर भी एक पंडाल बना हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल बना है भाई। तो चलते हैं लोग और आगे और आप लोग को दिखाते हैं लोग। ये पंडाल देखिए, ये पंडाल देखिए कितना बड़ा हुआ। अब दोनों परेशान है, ऐसा मोल कहाँ से लाया गया, एक दिन बोला रुको मैं। चलते और आगे और दिखाते हैं लोग, इधर भी प्रसाद मिल रहा है। और भीड़ देखिए भाई कितना ज्यादा भीड़ है इधर। ये देखिए भाई यहाँ पर 360 रोटेट वाला जो वीडियो बनाने वाले है भैया, ये भी यही पर है। तो आगे चलते हैं लोग, आगे चलते हैं लोग भाई और आगे दिखाते हैं लोग और अच्छा अच्छा चीज जो अंदर में बना हुआ है। यहाँ से चालू होता है भाई, और ये देखिए भाई जो भारत माता है इनका। भाई सब्जी मंडी के पास आ चुके हैं, अब अंदर चलते हैं लोग इसके अंदर। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग मंदिर के पास, सब्जी मंडी में जो मंदिर है। और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ का व्यू देखिए, और ज्यादा बड़ा नहीं बना है तो सजाया गया है अच्छा से। चलते हैं लोग इधर से, अब सब्जी मंडी से बाहर निकल चुके हैं लोग।
आप चलते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं इधर से बाहर। ये लक्ष्मी मार्केट में हम लोग आ चुके हैं लोग, और ये देखिए भाई, ये देखिए भाई कितना बड़ा बना है इधर, पूरा भीड़ है भाई। आगे आ चुके हैं हम लोग, और इधर का भीड़ देखिए। अब यहाँ से बाहर निकल चुके हैं लोग, और इधर से चलते हैं भाई कितना मस्त है। अब चलते हैं हम लोग रघुनाथपुर के रोड में, तो भाई सब चल रहे हैं हम लोग रघुनाथपुर के रोड में। इधर भी देखिए भाई कितना मस्त सजाया गया है, पूरा लाइटिंग से, पूरा लाइटिंग से पूरा भर दिया गया है, और इधर प्रसाद मिल रहा है। अब चलते हैं लोग आगे। अब हम लोग चलते हैं राम जी के मंदिर में, उधर का आप लोग को अंदर का दिखाते हैं लोग कितना मस्त है, उधर अंदर सजाया गया है, और इधर भी पूरा ज़्यादा भीड़ है भाई। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, अंदर जाने के लिए भाई लाइनिंग लगना लगना बना है। और ये देखिए भाई अंदर का, धूप चला जाना है बाहरी से, इधर देखिए भाई पूरा ज़्यादा भीड़ है इधर साइड साइड में भी, और ये अंदर देखिए। अब चलते हैं हम लोग अंदर, भीड़ देखिए भाई कितना ज़्यादा है। तो भाई अंदर आ चुके हैं हम लोग, देखिए भाई कितना मस्त अंदर भी सजाया गया है, भीड़ देखिए भाई कितना ज़्यादा है, अंदर का भीड़ देखिए भाई कितना ज़्यादा है। आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इधर नाचने का व्यवस्था भी हो चुका है भाई। ये आगे तो देखिए भाई कितना मस्त लग रहा है, नहीं केदारनाथ बना हुआ है, तो हम लोग चलते हैं लोग, बहुत एक्साइटेड है भाई केदारनाथ को देखने के लिए। तो अब चलते हैं लोग भाई अंदर, अंदर से भी दिखाते हैं लोग आप लोग को, अब बाहर से भी दिखाते हैं लोग। तो भाई हम लोग आ चुके हैं लोग शिव मंदिर के पास, और शिव मंदिर पर देखिए भाई पंडाल केदारनाथ का बना हुआ है, तो केदारनाथ का बना हुआ भाई, और देखिए जय श्री केदारनाथ। हम लोग अंदर चलते हैं लोग, एंट्री करते हैं लोग केदारनाथ, और ये देखिए भाई। तो भाई चलते लो अंदर आप हम लोग, और ये केदारनाथ में हम लोग अंदर एंट्री कर दिए हैं लोग। अंदर से देखिए भाई माई दरबार, माई दरबार को हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा सा, और भाई केदारनाथ के हम लोग अंदर आ चुके हैं लोग, और ये देखते हैं लोग इसमें क्या होता है। अंदर साइड से भाई गरबा हो रहा है भाई, गरबा हो रहा है भाई अंदर, तो
चलते लो अब इधर केदारनाथ से हम लोग निकल चुके हैं लोग और अब चलते लो इधर आखड़ा की ओर। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं लोग और ये देखिए भाई यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप का जो पंडाल बना है यहाँ पर। तो देखिए भाई यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का पंडाल बना है, अनोखा चीज भाई, अंदर में अनोखा अनोखा चीज बन चुका है। और ये देखिए भाई पूरा पंडाल में भी ऊपर से देखिए भाई पूरा T20 वर्ल्ड कप बना दिया गया है। आगे से आप लोग पास में जाकर दिखाते हैं लोग अच्छा दिखता है। और पास में आ चुके हैं आप लोग को दिखाने के लिए। यहाँ पर हमारे रोहित शर्मा जी और इधर इसमें बारिश हो रहा है भाई देखिए। थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं पूरा पंडाल को आपको। देखिए भाई पूरा दूर से। तो गाइस ये गौरा रोड के सामने ही बना है पंडाल, उसको हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं।